नमस्कार। गैंग रेप का शिकार हुई उत्तर प्रदेश के उन्नाव की बहादुर बेटी ने दम तोड़ दिया है। रात 11:40 पर राजधानी दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में उसकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उन्नाव की बेटी के साथ जो हुआ वो बेहद डराने वाला है। ये घटना यूपी पुलिस की भूमिका पर और समाज की भूमिका पर कई गंभीर सवाल उठाती है। आपको बता दें कि उन्नाव की बेटी को प्यार और धोखे के जाल में फंसाया गया था। जिसने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था उसी ने ऐसे जख्म दिए जिससे वो जीते जी कभी नहीं उभर पाई। दरअसल उन्नाव की बेटी के साथ दिसंबर साल 2018 में रेप हुआ था। पुलिस के पास दर्ज पीड़िता के बयान के मुताबिक गांव के ही शिवम त्रिवेदी नाम के शख्स ने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। रेप के दौरान उसका वीडियो बनाया और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ बार बार रेप किया। इस दौरान शिवम के साथ उसके दोस्त शुभम ने भी इस घिनौनी हरकत में उसका साथ दिया। आरोप ये भी है कि पीड़िता की शिकायत के बावजूद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की और उसे रोज थाने के चक्कर कटवाए गए। आखिरकार जब पुलिस से इंसाफ नहीं मिला तो पीड़िता ने कोर्ट के जरिए आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। इसी साल मार्च में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद परिवार को लगातार धमकियां दी जाने लगी और केस वापस लेने का दबाव बनाया गया। पीड़िता लगातार पुलिस से मदद की गुहार लगाती रही लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। 5 दिसंबर की सुबह जब इसी केस के सिलसिले में वो रायबरेली कोर्ट जाने के लिए निकली थी तो जेल से छूटे आरोपियों ने उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया। पीड़िता की मौत के बाद अब परिवार आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहा है। सभी 5 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। SIT जांच भी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने का भरोसा भी दिलाया है। सफदरगंज अस्पताल के बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर शलभ कुमार ने बताया, हमारे बेहतर प्रयासों के बावजूद पीड़िता को नहीं बचाया जा सका। रात 11:10 उसे कार्डियक अरेस्ट आया। हमने इलाज शुरू किया और हमने उसे बचाने की पूरी कोशिश की पर 11:40 पर उसकी मौत हो गई। पीड़िता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।